हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 11 जनवरी शनिवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और यह तिथि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफी अहम मानी गई है। मित्रों, इस समय में किए गए शुभ कार्यों की प्राप्ति काफी अच्छे परिणामों को हो सकती है और आप आज बताना चाहूंगा कि मीन राशि वाले जातक इस योग को कैसे सफल बना सकते हैं। आप कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करेंगे जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए आज क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे, आपके ग्रह गोचर, आपके जीवन में, आपके व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ और यहां तक कि आपके स्वास्थ्य में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, कौन सी दिशा आपके लिए सही और उत्तम रहने वाली है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपके लिए आज का दिन काफी शानदार गुजरने वाला है। ऑफिस में आज आपकी ड्रेस की तारीफ हो सकती है। जीवन में नए तरीकों को आजमाने से आपके नए रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ आपके खास काम आज निपट सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज आप अपने ऊपर काफी अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हो। आपकी अच्छी तरह से व्यवहारिका, लोगों के सामने आप प्रशंसा के प्राप्ति हो सकते हैं। मित्रों, आपको बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े कुछ नए लोगों से संबंधित आज आपके परिणामों को प्राप्ति हो सकेगी। दाम्पत्य जीवन में काफी मधुरता रहेगी। आपकी समझ और आपके प्यार आपके दाम्पत्य संबंधों को बेहतर भी बना सकेंगे। सामाजिक जीवन में आज आप हर तरह से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकोगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए आज काफी कारगर रहेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आप खुद को साबित करने के लिए कई मौके आज तलाश कर सकते हैं। किसी काम को सुलझाने के लिए आपको कोई नया आइडियाज सूझ सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर बनेगा। आप कुछ कामों को अधिक समय लगा सकते हैं। आपको आज टेंशन से बचना होगा। टेंशन ना लें। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। दूसरों के सामने आप अपनी बातों को रखने में काफी अच्छा और सक्षम रहेंगे। आमदनी बढ़ने के लिए कोई नया उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज आपका दिन काफी बेहतर परिणामों को ला रहा है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन अगर आप कोई नया व्यापार, नया घर या फिर नए किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें किसी बड़ी काम के लिए किसी एग्रीमेंट का साइन करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। आज किसी कंपनी से इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका उत्साह बना रहेगा। मन में नई चीजों को जानने के लिए उत्सुकता भी रहेगी। आपके भाई बहन आपके कामों में पूरी तरह से आपकी मदद करने वाले हैं। मित्रों, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्यार बना रहेगा। आज आपको बताना चाहेंगे कि आप कहीं बाहर की यात्रा कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इसके संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक बार जरूर सलाह ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आपको अपने कामों में काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरों पर आप अपने कामों और व्यवहार का पॉजिटिव असर छोड़ सकोगे। पैसे से जुड़ा कोई पुराना लेन देन आज फायदेमंद साबित होगा। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। छात्रों के लिए समय काफी शुभ है। आपके घर कामों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मित्रों, आज आपको बताना चाहेंगे कि इस समय का आप बखूबी अच्छे तरीके से उपयोग करने का प्रयास करें।
आज आप बिजनेस में कई नई चुनौतियों का निपटा कर सकेंगे। रुके हुए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। टाइम टेबल बनाने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ऑफिस में काम कर रहे लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर सलाह मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी समझ से फैसले लेने की ज़रूरत है। आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग साथ में जुड़े हैं उन्हें अच्छे से व्यवहार बनाए रखकर उन्हें जुड़े रहने दें। परिवार से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आप अगर कोई नया कॉलेज में एडमिशन करवाना की सोच रहे हैं तो वहां जाकर आपको कोई जानकार व्यक्ति मिल सकता है, जिससे आपका पेपर वर्क काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी। आज आपको हर काम में सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके काम में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। आपको ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस करने से बचना होगा। कुछ आदतों में सुधार लाने से आपका दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपको प्यार से बात करनी चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आप बच्चों को कहीं घूमने ले जा सकते हैं। आपको अपने आर्थिक स्थितियों पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता से आपको उचित सलाह भी आज मिलने वाला है। आपका दिन आज काफ़ी उत्तम गुजरने वाला है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का दिन आपके लिए खुशियों को ला रहा है। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जिस भी वजह से आप अपने कामों को कर रहे हैं वो आपके मन की मुराद पूरी हो सकती है। आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगी। आज अगर आप नया वाहन, नया घर या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसके लिए दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है। आज बिजनेसमैन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आपको पेट से जुड़ी कोई समस्याएं हो सकती हैं। आज कोई व्यक्ति आपके विचारों को दबाने की कोशिश कर सकता है। आपको अपनी बात दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए। आपकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद नजर आ रही है। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनी गलतफहमियों में पड़ने से बचना चाहिए। आपको अपने गलतफहमियों को स्वीकार करना चाहिए। किसी छोटी बच्ची के आज पैर छूकर उसका आशीर्वाद लें। आपके साथ सब कुछ बेहतर होगा। मित्रों, मीन राशि के जो जातकों के जीवन में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, किसी प्रकार की नई नई अड़चनें आती रहती हैं और आपको अपने कामों में मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो सक रही है, तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे इस समय धैर्य बनाए रखें। और आज कुछ ऐसे संकेत, ऐसे संयोग बन रहे हैं, अगर आप कोई कुमारी कन्या के पैर को छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपके राह में चली आ रही बाधाएँ दूर होंगे। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती हैं। आज आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। आज आपके सारे काम बखूबी पूरा करेंगे। आपको अपने संतान से पूरी मदद मिलेगी। कुछ ज़रूरी लोगों से आज मुलाकात हो सकती है। ऑफिस मीटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। ऑफिस मीटिंग के दौरान आप अपनी बातों को अच्छे से रख सकोगे। सब लोग आपकी प्रेजेंटेशन से बेहद प्रसन्न रहेंगे। आपका वाहवाही होगा। जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी अच्छी ब्रांड के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी मीटिंग भी सफल होने वाली है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हो सके तो आप किसी भी समय, किसी भी पहर में श्री गणेशाय नमः का मंत्र का उच्चारण 5 बार अवश्य करें। आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है। आज आप घर में किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं। घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी करें आपको अपनी आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। आज कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर पर आ सकता है। घर वाले उनके सामने आपके काम की तारीफ और आपकी भी तारीफ कर सकते हैं। ऑफिस में सीनियर के साथ इधर उधर की बातें करने से आपको बचना होगा। आपकी स्थितियां काफ़ी बेहतर रहेंगी। आप जीवन में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार कर सकते हैं। साथ ही काम करने वाले लोगों से भी आप इस बात के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज सब लोग आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। किसी खाने की चीज़ के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने खान पान की चीज़ों पर विशेष रूप से परहेज करने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से आपके रिश्ते मधुर होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
आपको अपने परिणामों की प्राप्ति होगी। छात्र अगर किसी कंपटीशन में तैयारी ले रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन काफी फायदा दिलाने वाला होगा। व्यापारी वर्ग का रुका हुआ काम आज तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थितियां पहले से अपेक्षा काफी बेहतर रहेंगी। जो लोग वकील हैं, आज उन्हें किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता मिल सकेगी। मित्रों, आज आप कहीं मूवी देखने अपने परिवार वालों के साथ जा सकते हैं। आज आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माता।